आज हम बनाएंगे ताल का पेठा। ये बहुत ही पुराना ट्रेडिशनल रेसिपी है एंड बहुत ही टेस्टी है। आप इस प्रोसेस से ताल को ज़रूर बनाएं। तो सबसे पहले हम ताल को ऐसे छील लेते हैं, इसका जो आउटर लेयर है इसको छीलना होता है। एंड मेक श्योर कि आप पके हुए ताल को ले, तो उससे जो होता है इस गुद्दे से रस बहुत अच्छे से निकलेगा। ताल में ऐसे तीन आपको सीड्स मिलेंगे, तो इन सीड्स को आपको सेपरेट कर लेना है हाथों से। फिर इस पे थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा, वरना इसका पल्प ठीक से नहीं निकलेगा। तो थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद, अगर आपके घर पे कोई भी छन्नी हो, स्ट्रॉन्ग छन्नी चाहिए होगा, तो स्ट्रॉन्ग छन्नी पे आप ऐसे रख के इसको पीसे और इसका जो रस है, पल्प है, वो आप देखेंगे धीरे धीरे निकलने लगा है। तो आप इस पे पानी ऐड करें, जब आपको लगेगा कि इसमें पल्प है एंड ड्राई हो चुका है, तो आप थोड़ा सा पानी ऐड करें, तो ऐसे आपको पल्प, इसका क्लियर पल्प आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो क्या करना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इस ताल में क्या होता है, थोड़ा सा बिटरनेस होता है, तो उसको निकालना ज़रूरी होता है। तो ये प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर इस प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे तो आपका ताल का पेठा एकदम बिटर नहीं लगेगा एंड खाने में भी बहुत अच्छा बनेगा। तो आप देख सकते हैं कितना सारा पानी निकला है। आपको ओवरनाइट रखना है या 6 से 7 घंटे आप इसे रख सकते हैं, उसके बाद आपको ऐसा पल्प मिल जाएगा। आप इस पर 1 कप सूजी ऐड करें, उसके बाद आप 1 कप इस पर मैदा ऐड करें। ये सब इंग्रेडिएंट्स बहुत मतलब आसान है, सेम क्वांटिटी में आपको ऐड कर देना है। 1 कप चीनी ऐड करें, चीनी आप अपने हिसाब से ऐड करिएगा, जितना मीठा का आपको खाना है उतना आप ऐड कर सकते हैं। 1 कप कोकोनट डाल सकते हैं, कोकोनट बिना भी ये बना सकते हैं, लेकिन कोकोनट देने से बहुत ही टेस्टी बनता है। उसके बाद आपको इसमें 2 कप पानी देना है। अब धीरे धीरे पानी को मिलाएं और इसे ठीक से अच्छे से मिला ले, फेंट ले। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा नमक भी दे सकते हैं, मैंने नमक दिखाना मैं भूल गई, पर आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा नमक दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा टेस्ट के लिए। आपको इसे ओवरनाइट रख देना है 4 से 5 घंटा, या फिर फ्रिज में रखना है वरना ख़राब हो जाएगा। फ्रिज में आप इसको रखें तो बहुत अच्छे से फूलेगा फ्राई करने पर, और इसे आप नेक्स्ट डे या फिर आप 3-4 घंटा 5 घंटा ऐसे रखने के बाद आप इसे निकालें और ऐसे थोड़ा थोड़ा हाथों पे लेकर आप इसे फ्राई कर लें। तो फ्राई करने के बाद आप देख सकते हैं ये कितना फूल गया है, अंदर से भी अच्छे से पकेगा। आपको इसे पहले तो हाई फ्लेम में देना है, लेकिन उसके बाद आपको इसे इसका फ्लेम कम कर देना है, मीडियम फ्लेम में आपको इसे पकाना है, ताकि इसका बीच का जो पार्ट है वो भी ठीक से पक जाए। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल गोल्डन कलर का हो गया है। तो ये हो गया है अब रेडी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसे बीच से फाड़ के दिखाती हूँ कितना पक चुका है ये, और इतना टेस्टी होता है खाने में। आप इसे ज़रूर बनाएं ताल के सीज़न में एंड सबको खिलाएं, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। सो, ये रहा आज का रेसिपी। थैंक यू, बाय बाय।